नवी मुंबई नेटवर्क। महाराष्ट्र सरकार कामगार विभाग के माध्यम से भाजपा के संचालनालय के द्वारा वाशी स्थित सिडको प्रदर्शनी केंद्र में 3 दिवसीय बॉयलर इंडिया 2022 प्रदर्शनी कार्यशाला और चर्चा सत्र का जोश खरोश के साथ आयोजन किया गया है, जिसका उद्घाटन महाराष्ट्र के मंत्री सुरेश खाड़े और महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री उदय सामंत के हाथों जोश खरोश के साथ सम्पन्न हुआ, जहां इस दौरान उनके साथ सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रविंद्र चौहान, विधान परिषद सदस्य रमेश दादा पाटिल, विधान परिषद सदस्य निरंजन राव खरे, महाराष्ट्र भाजपा मच्छीमार सेल के प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट चेतन दादा पाटिल आदि तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान मान्यवरों ने इस प्रदर्शनी का दौरा कर भारत और विशेषकर महाराष्ट्र में आई नई टेक्नोलॉजी को समझने की कोशिश की। इस अवसर पर महाराष्ट्र के मंत्री सुरेश खाड़े के हाथों 3 मैगजीन बॉयलर वर्ल्ड अपडेट, टेक्निकल लिटरेचर बॉयलर यूजर का अनावरण किया गया। इस दौरान उद्योग मंत्री उदय सामंत ने उपस्थित पार्टिसिपेंट और प्रतिनिधियों को आह्वान किया कि वे नई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ आए, उनका स्वागत महाराष्ट्र सरकार द्वारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज इस फील्ड में इनोवेशन, एक्सपेरिमेंट और नई टेक्नोलॉजी की जरूरत है। गौरतलब है कि इस प्रदर्शनी में न केवल महाराष्ट्र और देश भर से बल्कि विदेशों से आए प्रतिनिधियों ने भी इस प्रदर्शनी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए उद्योग मंत्री उदय सामंत ने प्रदर्शनी को देखकर बेहद अभिभूत नजर आए। उन्होंने कहा कि विदेशों से भी काफी लोग आए हैं और उनकी भी टेक्नोलॉजी न केवल यहां देखने को मिलेगी बल्कि इस्तेमाल करने का मौका भी मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस इंडस्ट्री के पीछे सरकार मजबूती के साथ खड़ी है। उद्योग जगताला अतिशय पुढे देणारं असं हे प्रदर्शन आहे। त्याच्यामधनं मला असं वाटतं की जे उद्योजक आहेत त्यांच्या प्रॉडक्टची विक्री देखील होईल, परदेशातनं देखील काही लोक या ठिकाणी आलेले आहेत, त्यांची देखील टेक्नॉलॉजी आपल्या लोकांना बघता येईल। अजून महाराष्ट्रामध्ये इथं जर काही यांना करायचं असेल MIDC मध्ये किंवा आमच्या विभागामार्फत ती देखील संधी त्यांना दिली जाईल। मला असं वाटतं की महाराष्ट्र जगताला अतिशय महत्त्वाचं असं। ब्युरो रिपोर्ट, नवी मुंबई नेटवर्क।